हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिपीडिया। आज मेडिपीडिया की टीम GMCH सेक्टर 32 चंडीगढ़ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टॉप 32nd निर्फ रैंकिंग मेडिकल कॉलेज है। बच्चों का ड्रीम होता है इस मेडिकल कॉलेज से अपनी MBBS करना। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी इस पूरे कैंपस के बारे में। हम लोगों ने पूरा अकेडमिक ब्लॉक, हॉस्टल, हॉस्पिटल सब कुछ विजिट किया है, तो कॉलेज की कंप्लीट डिटेल देने वाली हूँ। एडमिशन प्रोसेस के बारे में, फ़ी स्ट्रक्चर्स के बारे में, नीट में कितने मार्क्स आपको लाने होंगे ताकि आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, यहाँ पे काउंसलिंग का क्राइटेरिया क्या है, ऑफलाइन काउंसलिंग है या ऑनलाइन काउंसलिंग है, अगर आप इस काउंसलिंग में 85% सीट्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो क्या क्या डोमिसाइल एंड स्टेट कोटा के एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, ये सारी चीज़ें वन बाय वन मैं आपको बताने वाली हूँ। बिफोर हम GMCH चंडीगढ़ के बारे में और डिटेल में जाने, आप मेडिपीडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम नीट की काउंसलिंग की अपडेट्स आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सीट मैट्रिक से। टोटल MBBS की सीट्स 150 हैं। 150 में से जो 15% ऑफ द सीट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से अलॉटमेंट होती है। उन सीट्स के लिए देश का कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। उसमें 23 सीट्स हैं, देन रिमेनिंग सेंट्रल पूल की जो सीट्स हैं उसमें 3 सीट्स हैं, देन 9 सीट्स आर फॉर द फॉरेन इंडियन स्टूडेंट्स, एंड जो बची हुई 115 सीटें हैं वो यूटी की, मतलब जहाँ पे चंडीगढ़ का स्टेट कोटा की सीट्स हैं, वो है टोटल 115 सीट्स। उसमें से SC कैटेगरी की 17 सीट्स हैं, बची हुई 98 जो सीट्स हैं दैट आर फॉर द जनरल कैटेगरी। दिस इज ऑल अबाउट द टोटल सीट मैट्रिक्स फॉर दिस कॉलेज। एंड ये जो कॉलेज है वो 1991 का एस्टैब्लिश मेडिकल कॉलेज है। एक्सीलेंट एकेडमिक ब्लॉक, एक्सीलेंट हॉस्पिटल। अगर यहाँ की ट्यूशन फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी में, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से एडमिशन लेते हैं चाहे स्टेट काउंसलिंग में, आपकी जो ईयरली ट्यूशन फीस रहेगी वो 24,979 रुपीज़ रहेगी। SC कैटेगरी के लिए 19,879 रहेगी। NRI कोटा में 1,10,000 US रहेगी। अब डिस्कस करते हैं नीट की कट ऑफ्स के बारे में कि आपको नीट में कितने मार्क्स लाने होंगे ताकि आपको GMCH में कन्फर्म्ड MBBS एडमिशन मिल जाए। अगर 2022 सेशन की बात करें तो 562 नीट मार्क्स पर भी यहां पर सीट मिली है जनरल कैटेगरी में। 2023 सेशन में 598 मार्क्स की कट ऑफ देखने को मिली है। अगर SC कैटेगरी की बात करते हैं तो 383 मार्क्स पर 2022 सेशन की कट ऑफ गई है एंड 374 मार्क्स पर लास्ट अलॉट हुई है सीट SC कैंडिडेट स्टूडेंट को। अगर NRI कैटेगरी की बात करते हैं तो 2022 सेशन में 275 मार्क्स पर सीट मिली है, 2023 सेशन में 189 मार्क्स पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर आपको ये सीट अलॉट करवानी है तो उसके लिए चंडीगढ़ के लिए स्टेट कोटा का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपको NRI कोटा में सीट लेनी है उसके लिए क्या क्राइटेरियाज है, ये वीडियो के हम लोग कमिंग पोर्शंस में देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर कैंडिडेट ने 10th, 11th, 12th चंडीगढ़ से की है तो आप चंडीगढ़ की स्टेट कोटा काउंसलिंग, मतलब 85% सीट्स के लिए MBBS एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हैं। जो सेकंड क्राइटेरिया है, अगर आपके पेरेंट्स चंडीगढ़ में पिछले 5 साल के लिए रहे हैं और उनके पास प्रॉपर रेजिडेंट प्रूफ है चंडीगढ़ का, तो आप एलिजिबल हैं 85% स्टेट कोटा के लिए। जो थर्ड क्राइटेरिया है, अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के, और उनका डेपुटेशन चंडीगढ़ में हुआ है एंड आप लास्ट 3 साल से वो डेपुटेशन पे है चंडीगढ़ में बिफोर यू आर गिविंग योर एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो आप एलिजिबल हैं अगर जहाँ पर उनका डेपुटेशन हुआ है उस एडमिनिस्ट्रेशन में चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का 20% शेयर है, या फिर चंडीगढ़ गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं आपके पेरेंट्स मिनिमम 3 ईयर्स के लिए बिफोर द एडमिशन डेट, तो भी आप एलिजिबल है। फोर्थ क्राइटेरिया है, इफ़ यू आर चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विस मैन, और आपका जो सर्विस हुआ है वो आपका चंडीगढ़ यूटी से है, फिर भी आप एलिजिबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं NRI सीट्स के लिए, फॉरेन इंडियन सीट्स के क्राइटेरिया के लिए उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो सीट्स हैं ये सारे इंडियन ओरिजिन सीट्स के लिए ही हैं, कोई भी फॉरेन ओरिजिन स्टूडेंट इसमें एडमिशन नहीं ले सकता है। इसमें 3 कंडीशंस हैं, अगर स्टूडेंट इंडियन ओरिजिन का है बट
आपकी जो पासपोर्ट है वो किसी और कंट्री का है, आपका जो सिटीजनशिप है किसी और कंट्री का है, तो आप इन सीट्स के लिए एलिजिबल हो। सेकेंड OCI के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए। थर्ड अगर हम लोग बात करते हैं, अगर आपका ओरिजिन इंडिया का है, आपका पासपोर्ट भी इंडिया का है, बट आप एडमिशन लेने से पहले पिछले 3 साल किसी और कंट्री में रहे हैं, तो भी आप NRI कोटा में, GMC या चंडीगढ़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। ये हुआ सारा कॉलेज के फीस के बारे में, कट ऑफ के बारे में, सीट्स के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में। 1991 का एस्टैब्लिश ये मेडिकल कॉलेज है। ये सिर्फ एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में या क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो अच्छा है ही है, उसके साथ साथ स्टूडेंट्स को एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स 360 डिग्री ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे फेस्ट भी होते हैं। यहाँ के जो फेस्ट का नाम है, जो इंट्रा फेस्ट है, वो फ्लेक्सस के नाम पर है। जो इंटर कॉलेज फेस्ट है, वो यूफोरिया के नाम पर होता है। एंड स्टूडेंट्स उसमें बहुत सारा ग्रो करते हैं, उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है, सीनियर जूनियर्स इंट्रैक्शन बड़ा होता है, एंड दूसरे मेडिकल कॉलेजेस के साथ भी स्टूडेंट्स को इंट्रैक्शन करने का मौका मिलता है। यहाँ पे जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। गर्ल्स के लिए जो हॉस्टल है वो इनसाइड द कैंपस ही हैं, जो बॉयज़ के लिए हॉस्टल हैं वो आउटसाइड द कैंपस हैं। बट अगर हॉस्टल की बात करें, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है। अगर आपको खुद का AC भी वहाँ पे लगाना है तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, ताकि क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ने के लिए एक अच्छे एनवायरनमेंट की बहुत ज़रूरत है। स्पेशली जो बच्चे GMC या चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं, ये सारे टॉपर स्टूडेंट्स हैं जो कि एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो हम सब लोग चाहते हैं कि आपका भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो। इफ़ यू वॉन्ट टू नो कि आपके नीड स्कोर के ऊपर आपके लिए कौन सा बेस्ट मेडिकल कॉलेज इंडिया में मिल सकता है, कितना मिनिमम बजट आएगा, कौन सी स्टेट आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू मेडिपीडिया टीम। मेडिपीडिया का जो चंडीगढ़ में ऑफिस है वो सेक्टर 34A में है, वेरी नियर टू LN कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। तो आप मेडिपीडिया के चंडीगढ़ ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। उसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप पहले ही अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। जो फर्स्ट आपका काउंसलिंग का सेशन होगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, बिल्कुल फेयर गाइडेंस दी जाएगी, एकदम वो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जो आपको चाहिए। 15 मिनट्स में आपको इंडिया की काउंसलिंग की सारी नॉलेज दे दी जाएगी। सो डू अटेंड दिस काउंसलिंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर टाइम टू टाइम नीड काउंसलिंग अपडेट्स।